स्टार टीवी में सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जावेद इकबाल से। जावेद इकबाल इज वन ऑफ द ब्रिलियंट आर्टिस्ट फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर सच अ ब्यूटीफुल प्लेस विच हैज लॉट ऑफ कंटेंट्स, लॉट ऑफ एलिमेंट्स, लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी दैट इज कनेक्टेड टू आवर कंट्री एंड The beautiful Himalayan kingdom, which inspires a lot of artists, a lot of people, art, philosophy, and everything. Let us know more about the inspiration of Kashmir from Javed Iqbal, who resides in Kashmir, in Sopore, and let us see his art journey and his art philosophy. A warm welcome, Javed Iqbal, to Thank you, RTV. sir. Thank you very much. Javed, you hail from Kashmir. सोपोर से। कश्मीर एक ऐसी जगह जहाँ पे वादियाँ, द नेचर, द ब्यूटीफुल कल्चर, चेंजिंग ऑफ सीजन्स डेफिनेटली कलाकारों को बहुत इंस्पायर करती होगी कलाकृति करने में, तो हम जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले वी वुड लाइक टू नो योर पाथ ट्रेवल, योर आर्ट जर्नी। आप आर्ट फील्ड में कैसे आए और अब तक की सफर कैसी रही? Thank you so much, sir. First of all, I would like to thank for inviting me in program Ek It's a pleasure. Kalakar. It's my Thank you pleasure. so much. Thank you so much, sir. Sir, मैं कश्मीर में रहता हूँ और जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के कलर, जैसे आपने मेंशन किया, हमारे सीजन, we have a different seasons and all in all seasons we have a different colors, we have a different moods of nature. तो ये देख के इंसान को, ये नेचर को देख के जब इंसान पला पनपता है, पलता है, बढ़ता है, इस नेचर का एक हिस्सा है, हम नेचर से बाहर नहीं है, हम नेचर का एक हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि नेचर की लैब में रह के इंसान कुछ अलग नहीं सोच सकता है, अलग सोच सकता है इंसान, ऐसा नहीं है, लेकिन जब नेचर का हिस्सा है हम, तो नेचर की जो जो हमारी इंस्पिरेशन होगी वो भी नेचर से ही इर्द गिर्द की होगी, वो भी आसपास से ही होगी, हमारी सराउंडिंग से होगी। बिल्कुल तो मैं कोई प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्टिस्ट था नहीं, मेरी तालीम है, मेरा मास्टर्स है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से, कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो मैंने ज्योग्राफी भी प्रेफरेबली ली है, मैंने ज्योग्राफी भी अपनी चॉइस से ली है, ये जान के कि मुझे नेचर को स्टडी करना है। मैं ज्योग्राफी ये ऑप्ट करके नहीं पढ़ रहा था कि मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, लेकिन मैं ये सोच के पढ़ रहा था कि ज्योग्राफी में जो हमारे नेचर की जो अप्स है, डाउन्स है, ह्यूज है, टोन्स है, शेप्स है, कलर है, ये किस कितने फॉर्म ले सकता है, इसमें क्या, और मैं क्या कितना गहरा सोच सकता हूँ इसके बारे में। लेकिन मेरा कंसर्न आर्ट से था, मुझे पहले से ही पता था कि मुझ में वो आर्ट की जो कहते हैं ना कि वो इंटरेस्ट था मुझ में, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना है तो इसी कलर के माध्यम से, कलर के मीडियम से मुझे कुछ करना है। तो सेल्फ टॉट पेंटर हूँ मैं, बहुत सारे आर्टिस्टों से मिला भी, यहाँ कश्मीर में भी बहुत सारे दोस्त मिले जो काम करते थे, बचपन में भी बहुत सारे आर्टिस्ट जैसे आते थे स्कूल में सिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं सीखा, मैं देखा ये आर्ट क्या है और कैसे है, ये कलर, ये फिर बाद में थोड़े आर्टिस्टों से बातचीत हो गई, उनसे मिला, उनसे सीखा। तो कुल मिलाकर मुझे एक दिन ये पता चला कि मैं भी आर्ट कर सकता हूँ। दैट वाज द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने पोस्टर कलर से एक लैंडस्केप किया। अच्छा, हाँ, तो एंड वो ये कब की बात लैंडस्केप है? एंड ये कब की बात है? ये तकरीबन आज से 14-15 साल पहले की बात है। अच्छा, तो वो काम अभी भी मेरे पास था, है अभी भी। तो पहली बार मुझे तब पता चला कि मैं भी आर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज देखी है, क्योंकि प्रोफेशनल तो ट्रेन था नहीं और ऐसा कोई कॉलेज था नहीं जहाँ मेरे डाउट्स होंगे, मैं क्लियर करवाना चाहूंगा, आई हैव क्वेरीज रिगार्डिंग आर्ट, आई कैन गो टू माई टीचर एंड आस्क हिम हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इट वॉज नॉट लाइक दैट, जो भी मैं कर रहा था तो इट वॉज लर्निंग बाई डूइंग, मैं खुद ही कर रहा था, खुद ही ट्रायल एंड सोच एरर रहा था, मेथड, ट्रायल एंड ट्रायल एरर। एंड एरर मेथड, एग्जैक्टली, आई वॉज डूइंग माई सेल्फ एंड जस्ट अंडरस्टैंड माई पेंटिंग, व्हाट आई डिड, व्हाट इज द
कंप्लीट आउटपुट ऑफ दिस पेंटिंग, हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा था मैं खुद उसको सॉल्व करता जा रहा था, उसको समझता जा रहा था। फिर लेटर स्टेज पे मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं, उनमें भी एक है अभी बच्चा साहब के नाम से एक आर्टिस्ट है, वो यहाँ लोकल हमारे बहुत अच्छे लैंडस्केपिस्ट है, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे डिस्कवर किया, तो उन्होंने बहुत हद तक गाइड किया, समझाया इनिशियल स्टेजेस पे कि कैसे होता है ये कलर कैनवस ब्रशेस, हाउ यू विल वर्क, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कि आप अच्छा पेंटिंग करना चाहते तो कैसे। तो एक एक समझ लीजिए, वो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम कर रहे थे, मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं यहाँ सराउंडिंग में जो उनसे सीखे हैं, लेकिन इट वॉज नॉट लाइक फॉर्मल ट्रेनिंग, तो वहां से हमारी शुरुआत हो। क्या बात है, क्या बात है। नाउ डेफिनेटली नाउ देर आर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नाउ जावेद विद दिस। सबसे पहले मैं हाँ पूछना चाहूंगा, यस यू आर अ सेल्फ मेड आर्टिस्ट, बीइंग इन कश्मीर यू हैड नो एक्सेस टू गुड मेंटोर्स, गुड टीचर्स या ऐसा कुछ जहां से इंफॉर्मेशन मिले, तो यू हैड टू गो थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड। नाउ यू सेड कि कलर्स कलर्स कुछ फैसिनेट किए, सो क्या हम ये मान के चले कि आपके अंदर जो कलाकार है उसको पहला उस जिसने टच किया आपको वो कलर्स टच किया, क्या हम ऐसे डेफिनेटली मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि देखिए सर, मैं लैंडस्केप करता था, लैंडस्केप को मैंने एब्स्ट्रैक्शन तक लिया, तो मेरा ये मानना है ये एक एक लैंडस्केप करना, इट्स लाइक स्केचिंग, इट्स लाइक टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल, देन फ्रॉम स्केचिंग टू स्क्रैचिंग, नाउ हाउ आई कैन चेंज द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर। सो बीइंग एन आर्टिस्ट, being I mean say part of the nature, I always try to understand that if nature is looking like this, where is my place, मैं कहाँ हूँ। मैं इस नेचर को देख के इमिटेट नहीं करता हूँ, नेचर को मैं फॉलो करता हूँ, मैं नेचर को कॉपी नहीं करता, मैं नेचर को कॉपी नहीं कर सकता। नो डाउट हमारे नेचर में हर एक किस्म के कलर है, चाहे प्राइमरी से लेके आप सेकेंडरी तक ले लीजिए, सेकेंडरी से आप टर्शरी फॉर्म तक आइए, वहां के कलर तक आप देखिए, इट्स गुड, इट्स अ मीडियम, यू कैन इंटरप्रेट, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग अबाउट योर पेंटिंग, अबाउट योर प्रोसेस, वो आप देख सकते हो वहां। लेकिन सवाल ये है कि एज एन आर्टिस्ट आई मस्ट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन द प्रोसेस, मैं खुद प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, और मैं कैसे नेचर को इंटरप्रेट कर रहा हूं, और मैं क्या सोच रहा हूं, मेरी सोच क्या है, मैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो मेरे अंदर है, जो मैं खुद फील कर रहा हूं कि मेरा कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, मेरा कलर क्या होना चाहिए, मैं नेचर को कैसे कैसे दिखा सकता हूँ। हमारे पास नेचर, अगर हम नेचर को स्टडी करेंगे, हमारे पास दो डिफरेंट डायमेंशन है नेचर को देखने के लिए, वी हैव टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट एंड ओपिनियन। अगर ऐसे हम मान के चलते, देखिए नेचर में हमें पानी मिलता है, पानी है, मीडोज है, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट है, जैसे पेड़ है, पत्ते हैं, जैसे स्काई है, ये तो एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट है ना, ये तो फिजिकल एस्पेक्ट है नेचर की, इट इज स्टिल, इट इज देयर, लेकिन इसके पीछे एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे हम कहेंगे वाटर, इट इज ए रियलिस्टिक फॉर्म, ओके, इट इज फिजिकल, लेकिन द प्रोसेस, द मूवमेंट, द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर इज एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम देखेंगे पेड़ है, पेड़ में पत्ते उगते हैं, फिर इट शट डाउन, द ट्री शट डाउन इट्स लीव्स इन आई मीन से ऑटम सीजन, लेकिन ये फिर उगता है, ये पेड़ फिर पत्ते होते हैं, फिर ये हरा भरा होता है, कैसे होता है, ये तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो साइलेंट प्रोसेस काम कर रहा है, उस प्रोसेस को हम नहीं देख पाते, दैट्स एब्स्ट्रैक्शन इन नेचर। जो पूरा कॉस्मोस है हमारा, जो पूरी अर्थ है, इट्स लुक लाइक स्टिल, ये हमें एक बिल्कुल स्टिल लग रही है, एक जगह पे लग रही है, लेकिन इसका जो मैकेनिकल फोर्स है, जो इसको चला रहा है, वो तो है। मुझे एक अच्छी बात याद आ रही है, जॉन बर्जर की एक बुक है वेज ऑफ सीइंग, उसमें वो एक जगह मेंशन कर रहे हैं कि व्हाट वी सी एंड व्हाट वी नो इट नेवर सेटल्स, ये एक जगह पर सेटल नहीं हो रहा है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि मुझे पता है
सूरज के इर्द गिर्द जमीन घूमती है, अर्थ रोटेट्स, इट रिवॉल्व्स बिफोर द सन, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, इट रोटेट्स, तो दिन और रात बनता है। लेकिन जब मैं अर्थ पे एज ए पार्ट, एज एन एलिमेंट यहाँ रहता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि सूरज कहीं से आया और कहीं को डूब गया, मुझे ये नहीं नजर आ रहा है कि अर्थ घूम रही है। तो फैक्ट तो वो है कि अर्थ ही घूम रही है, लेकिन नजर में नहीं आ रहा कि अर्थ घूम रही है। तो ये दो चीजें सेटल डाउन नहीं हो रही है। तो बीइंग ए पार्ट ऑफ ए नेचर, बीइंग एब्स्ट्रैक्ट पेंटर, यहाँ से की ऑफ ड्रीम्स शुरू हो जाता है। यहाँ से इंसान कुछ डिफरेंट सोच सकता है कि मेरे प्रोसेस में मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो काम करना चाहता हूँ, मैं उस प्रोसेस को कैसे इवॉल्व करूँ, मैं उस एब्स्ट्रैक्शन को कैसे कैनवस पे उतारूं, मेरा प्रोसेस क्या होगा, मेरा थॉट क्या होगा। आई एम नॉट ए कॉपी, आई डोंट इमिटेट नेचर एज इट इज, आई ट्राई टू फाइंड सम आई मीन से अनकॉमन हैपनिंग्स ऑफ नेचर ऑन कैनवस, और मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, उस पे लग जाता हूँ। इट्स अ फ्री, क्योंकि मैं इसको प्लान नहीं करता हूँ। जब मैं प्लान नहीं करता हूँ तो कहीं ना कहीं बिगिनिंग होती है, जहां से मैं अपने कैनवस और कंपोजिशन में कलर पे कंसंट्रेट करता हूँ और अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो नेचर इज द डेफिनेट इंस्पिरेशन फॉर मी, बट नेचर इज नॉट इंस्पिरेशन एज इट इज, देर आर सम अदर साइलेंट एस्पेक्ट्स वर्किंग इन द नेचर विच नीड्स एन आई टू आइडेंटिफाई। जिसको हम आइडेंटिफाई करें, जिसको हम सोचे, वो चीज निकाल के अगर हम काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। तो बहुत कुछ, जी या सर, बहुत कुछ। इससे जुड़ा हुआ मैं और एक बात जानना चाहता हूँ। आपने बहुत खूब तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि नेचर की जो जो एक साइलेंट उसकी मिस्ट्री है, राइट उसकी सर, जो दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हाउ यू नो। देयर इज वन वन मोर ऑब्जर्वेशन इन योर पेंटिंग्स। आपके पेंटिंग्स में कलर्स की एक डायनामिक्स बहुत है उसमें, उसकी एक प्ले है, एक तांडव नृत्य है उसका। तो ये कलर की डायनामिक्स, उसकी मूवमेंट, उसकी ताकत जो होती है, वो काफी हद तक उसकी काफी मिस्ट्री में भी उसकी प्ले आ जाती है उसमें। बट मैं एक जानना चाहता हूं, आप एक तरफ से जब नेचर को ऑब्जर्व करते, इंटरप्रेट करते, तो उसकी साइलेंट मिस्ट्री की तरफ आपकी नजर होती है, लेकिन आपकी पेंटिंग्स में उसकी नाच, उसकी नृत्य की तरफ डायनेमिक्स आती है। तो ये जो साइलेंट ऑब्जर्वेशन को आप इतने डायनेमिक इंटरप्रिटेशन में कैसे ले आते हैं? हाउ डू यू डू दैट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ, नेचर जो है ना, ये खुद डायनेमिक है। देयर इज अ डायनेमिज्म इन नेचर, नेचर इज डायनेमिक टर्म, इट्स नॉट स्टैटिक, एंड स्टैग्नेशन इसमें नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको सर बताऊं, कुछ चीजें इंसान को बाय बर्थ मिलती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जिस माहौल में हम रहते हैं ट्रू वो ट्रू माहौल हम में आ जाता है, हम उस माहौल का हिस्सा बनते हैं। टू बी फ्रेंक इनफ, जब अगर पूरी दुनिया में आप घूमेंगे, पूरी दुनिया के माउंटेन्स आप देखेंगे, पूरी दुनिया की ग्रीनरी आप देखेंगे, पूरी दुनिया के सीजन्स आप देखेंगे, लेकिन अगर आप कश्मीर आएंगे, एक सुपर इम्पोजिशन प्रोफाइल होता है लाइक माउंटेन्स का, पहले पहाड़, नजदीक का पहाड़, फिर उसके बाद के माउंटेन, फिर उसके बाद का माउंटेन, लॉफ्टी माउंटेन, यू कैन आइडेंटिफाई दैट देर इज नॉट अ सिंगल कलर इन द माउंटेन्स फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड माउंटेन टू द लास्ट माउंटेन। द सीरीज ऑफ माउंटेन्स प्रोजेक्ट, इट रिवील्स थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट 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 शेड्स। सो आई हैव वर्क लॉट ऑन कलर केमिस्ट्री, मैंने बहुत कलर केमिस्ट्री को स्टडी किया है और उसको प्रोसेस किया है, उसको एक्सपेरिमेंट किया है, बना बना के, देख देख के, ब्लूज में ही पता नहीं कितनी शेड्स है। तो मेरे काम में ये होता है कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मेरा फोकस रहता है, तो मैं किस चीज को की कलर बनाऊं, मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट कलर, बाकी जो इर्द गिर्द का खेल उसमें है, जो इर्द गिर्द का उसमें मूवमेंट है, वो उसको कैसे सपोर्ट करे, जो एक्चुअल मेरा फोकस है, जो एक्चुअल मेरा फोर्स है। एंड समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई डोंट प्लान माई पेंटिंग, मैं प्लान नहीं करता हूँ। जब जब मैं स्टार्ट करता हूँ, माय फर्स्ट स्ट्रोक इज द बिगनिंग ऑफ द पेंटिंग, समहाउ आई एम गाइडिंग माय पेंटिंग एंड समवेयर पेंटिंग इज गाइडिंग मी, ऐसा भी होता है, वो मुझे गाइड करता है कि अब आपको क्या करना है। तो मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं उस, बिकॉज इट्स अ कन्वर्सेशन, इट्स अ साइलेंट कन्वर्सेशन, सो
we secret conversation rather. We talk to each other. Though it's not quite, I can say ये बात कोई बोलेगा ऐसे हो सकता है क्या, लेकिन डेफिनेटली कैनवस बात करता है. कभी मैं गाइड करता हूँ, कभी वो गाइड करता है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो बाय बाय नेचर इंसान के ट्रेड्स में होता है, ऐसा कह सकता हूँ मैं. जो ये कलर वेरिएशंस है, आई कैन हैंडल मोर कलर्स. आई कैन हैंडल 5, 6, 7, 8, 10. आई कैन अप टू गो 10, 12 शेड्स. आई कैन हैंडल दैट विद द बेस्ट. लेकिन उस कलर के टोन को बैलेंस कैसे करना, कहाँ से शेड निकली और कहाँ पे खत्म होती है, उसका डार्क से लेकर लाइटर मोड तक, उसका बिल्कुल डार्क से एंड लाइट शेड्स तक कितने टोन्स को वैरी कर सकता है, ये चीज तो बड़ी ख्याल रखनी पड़ती है. तब जाके आप, क्योंकि हम कलर को एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर सकते. ट्यूब से निकाल के इसको अप्लाई किया, रेड रेड, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन, तो कुछ मेच्योरिटी उसमें नहीं आती है. कलर को स्टडी करना, उसको पहले बनाना प्लेट पे, फिर देखना, फिर अप्लाई करना, कुछ तो इंसान खुद करता है और कुछ इंसान के अंदर है जो मुझे भी नहीं पता कैसे हो रहा है. टू बी फ्रेंक इनफ, कभी ऐसा होता है मुझे कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है. आई एम पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड आई हैव इवॉल्व्ड इन द पेंटिंग. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग समटाइम्स, बट इट हैपेंस, होता है. करेक्ट तो ये बिल्कुल एक कैलकुलेटेड गेम नहीं है. इट्स नॉट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 2 + 2 = 4, नथिंग लाइक दैट. इट इज तो जस्ट अ जो केमिस्ट्री. हाँ, ये होता है ना कि कुछ पता नहीं. लिदा फाजली का एक बहुत खूबसूरत शेर है, मैं यहाँ आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. श्योर श्योर दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है. दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है. सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला. तो ये जो नादानी कर रहा हूँ ना मैं, तो क्या ये बात है नादानी ही एक्चुअली पेंटिंग है. इट टू बी स्कैरी. तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं लगता है पेंटिंग. तो एक खौफ, एक डर, तो उससे क्या होता है, उससे इंसान पेंटिंग में इन्वॉल्व होता है, पेंटिंग की प्रोसेस का हिस्सा बनता है. ओवर कॉन्फिडेंस देन वर्क कैन रिजेक्ट यू. तो काम आपको बिल्कुल बाहर फेंक कर देगा. लेकिन टू बी स्केयरी, मुझे अच्छा लगता है टू बी स्केयर. तो क्योंकि काम में जब इन्वॉल्व होता हूं मैं, तो उसको समझ के, उसके सोच को, उसके साथ लगाव, उसके साथ एक जिसको कहते हैं ना कि एक इंटरेस्ट, एक इमोशन पैदा हो जाता है, तब जाके अच्छा काम निकलता. जावेद, मैं लास्ट टाइम में मुझे याद है, आई थिंक एक 2-4 महीने पहले हम जब फोन पे बात कर रहे थे, यस सर, द टाइम यू आर टेलिंग मी सेइंग दैट कि सर आप एक बार कश्मीर आ जाइए, मैं आपको कलर्स की पैलेट दिखा दूंगा नेचर में. बिकॉज एज यू राइटली सेड यू यू बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू कश्मीर, मैं अभी तक गया नहीं ओह, हूँ. मैं यू शुड कम. डेफिनेटली दैट्स इन माई बकेट लिस्ट फॉर नेक्स्ट मंथ टू बी देयर इन कश्मीर. ओके, मोस्ट वेलकम. आपने लास्ट टाइम कहा था कि यहाँ पे कलर्स की जब यू नो फॉर एग्जांपल एवरी सीजन हैज इट्स ओन कलर्स. फॉर एग्जांपल ऑटम हो, विंटर हो, जब इसमें आते हैं एंड उसमें भी स्प्रिंग आता है, तो उसमें लाइक एवरी हफ्ते भी कल रंग बदलते जाते हैं बिल्कुल, कंप्लीट माहौल के. वेरी सो ट्रू. एक तरफ से देखा जाए तो हर मौसम एंड मौसम के अंदर हर पल पे रंग बदलते हैं नेचर में. हाँ, सेकेंड थिंग यू सेड कि पहाड़ों में फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स वे इफ यू स्टार्ट गोइंग फ्रॉम द फर्स्ट हिल टू द नादर लास्ट वन, लाइक एवरीथिंग गोज ऑन चेंजिंग कलर्स की इतने हैं. इवन इन योर पेंटिंग्स ऑल्सो आई सी लाइक जैसे आपने कहा कि ना यू यू वर्क विद 8, 10, 12, अगर मैं गिनते बैठू कि उसमें कितने कलर्स है, कितने शेड्स है, देयर आर नंबर ऑफ कलर. आसान नहीं होता है टू हैव मेनी कलर्स. फॉर एग्जाम्पल बहुत मिनिमल कलर्स में एब्स्ट्रैक्शन करना ये एक अलग बात है, एंड टू यूज मल्टीपल कलर्स लाइक 8, 10, 12. लेकिन इतने कलर्स इस्तेमाल करने के बाद भी, बिकॉज इफ आई सी योर पेंटिंग्स, वहां पे छोटे 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 पैचेस होते हैं जो अलग अलग कलर्स के हैं. एक बहुत ही कंट्रोल्ड, बहुत ही बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन आता है एट द एंड इफ एट ऑल यू सी. डेफिनेटली, तो इस बैलेंस इस नो जैसे आपने कहा कि शुरुआत में बड़ी नादानी होती है, डोंट नो कहाँ से शुरू होती है, क्या द फर्स्ट स्ट्रोक आता है पता है, उसके बाद तो यू डोंट नो, द कैनवस विल स्टार्ट गाइडिंग यू सेइंग बेटा इधर डाल, बेटा इधर डाल. राइट. तो इस नादानी से जो शुरुआत होती है
तो एंड में जब आता है तो इतना बैलेंस्ड एंड कंपोज्ड, एंड दैट टू यूजिंग सो मच ऑफ कलर्स, सो मच ऑफ कलर्स उसमें, एंड टू गेट दैट थिंग, हाउ डू यू फाइंड दैट एंटायर प्रोसेस? उसमें दो चीजें, एक तो वो विजुअली दिखने को वो प्रोसेस कैसा होता है वो अलग है, दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज फिजिकल, बट इंटरनली हाउ डू यू इवॉल्व ऑल्सो, हाउ डू यू, आप कैसे उसके साथ बढ़ते हैं, बनते हैं इसमें, ये प्रोसेस आपकी कैसी रही इतने रंगों के साथ खेलते हैं? मैं सर एक्चुअली मैंने बहुत सारा ऐसा काम किया है जो बहुत सारे कलर्स में नहीं है, बहुत लिमिटेड कलर्स में, एक मोनोक्रोम्स में भी है, उसमें भी मैंने काम किया। लेकिन मोनोक्रोम की बात करें तो मोनोक्रोम भी एक एक ही कलर नहीं होता। अगर हम इस केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो मोनोक्रोम भी एक, हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग है, देर आर टू कलर्स। अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट को डिफाइन करूंगा, इट्स नॉट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, देर आर सो मेनी कलर्स इन द रेंज, तो उनका भी इस्तेमाल, तो एक ही पेंटिंग में, हाँ ये कह सकते हैं कि ए मदरली कलर जो होता है, एक खास कलर, उसमें काम करना। तो ये है कि मैंने आपसे कहा सर कि जहां मैं रहता हूँ वहां मेरे पास बहुत कलर रेंज है, बहुत कलर रेंज है, तो अब मैं उस सारे कलर रेंज का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। क्योंकि सवाल ये है कि एक्चुअली जो पेंटिंग होती है, जो टोटल आप कहते हैं कि अल्टीमेटली एक बैलेंस्ड वर्क कैसे निकलता है, इट्स इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन। ये परसीव आप क्या करना चाहते हैं, आप एक कैनवस को कैसे देखते हैं, आपका कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, कि कहीं से आपने येलो दिया, आपको लग रहा है कि येलो पैच थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, उसको कैसे रब करके थर्ड कलर लेयर को कैसे लिफ्ट करना है, तो ये यहाँ पर थोड़ी मास्टरी है, यहाँ पर थोड़ा हम कह सकते हैं जो जो कॉन्शियस आर्टिस्ट है वो काम करने बैठ जाता है। तो इतना जो पूरा प्रोसेस है वो तो एक नादानी, एक एक जिसको हम कहते हैं ना, एक प्ले होता है, एक अंदर के इंसान को सेटिस्फाई करने होता है। जब काम मेच्योर होके थोड़ा डेवलप होता है, वहां पर फिर आर्टिस्ट का इंटेलेक्चुअल अप्रोच, उसका जो दिमाग जो काम करता परसेप्शन था। है, हाँ, फिर वो सोच के काम करता है, फिर वो कॉन्शियस हो जाता है कि अब मैं इसको बैलेंस करने जा रहा हूँ, अब मैं इसको फाइनल शेप दे रहा हूँ। तो मेरा ये डिपेंड करता है कि कॉम्पोजिशन कितना स्ट्रांग है, मैं किस कॉम्पोजिशन को लेके, मुझे क्या रखना है, क्या एलिमिनेट करना है, कैसे करना है, कौन से कलर को करना है। तो वहां पे थोड़ा मैं ये बताऊं कि जो जो कॉन्शियस आर्टिस्ट होता है वो वहां पे अपना प्ले करके जाता है, और वहां पर खुद को ये देखना पड़ता है कि परसेप्शन मेरा क्या है, मेरा मेरा ओवरऑल कॉम्पोजिशन, इसका निटिंग क्या है, मैं इसको कैसे देखता हूँ, और मैं किस, क्योंकि मैं नॉर्मली जो जब काम करता हूँ तो मैं किसी एक खास कॉम्पोजिशन पे नहीं करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं स्टार्ट करूँ, जब मैं इसको एंड तक ले जाऊं, जो ये पूरा प्रोसेस है, मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करूँ। दैट्स नॉट बिकॉज एवरी पेंटिंग, एवरी पीस ऑफ आर्ट, इट्स अ मेंटल चैलेंज, मैं इसको ऐसे मानता हूँ, ये मेंटल चैलेंज है, ये ऐसा नहीं जो मैंने किया मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटिशन किल्स यू, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ नया आ जाए, कुछ नयापन हो। तो जब तक ना मैं खुद इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाऊं, जब तक ना मैं खुद अपने आप को गुम करूं कहीं प्रोसेस में, तब तक नया नहीं आ सकता है। नया तब आएगा जब इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाऊं, और इस प्रोसेस में मैं कुछ नई तकनीक ढूंढूं, मैं कुछ नया ढूंढूं, और मैं कुछ नया करने की कोशिश करूं, तो एट द एंड वो मुझे गाइड करता है कि इज इट समथिंग विच इज एब्सोल्यूटली यू वॉन्ट, एग्जैक्टली शुड बी ऑन कैनवस, ये होना चाहिए था, अगर येस देन आई स्टॉप, इफ इट्स नॉट लाइक दैट देन आई गो ऑन, इट विल टेक मंथ्स टुगेदर, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी। तो तब तक मैं जाऊं और तब तक एंड तक मैं उसको देखूं कि क्या वो चीज आ गई जो मैं चाहता हूं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हम ये कहेंगे कि मुझे बहुत मजा आता है, आई एंजॉय माई पेंटिंग अ लॉट, बहुत मजा, जब सेटिस्फाई होता हूँ तब जाके काम कुछ होता है। ये नेचर की मिस्ट्री को, उसको उसको स्पर्श करना, टच करना, उसकी प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, ये एक एवरीडे एक न्यू एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली हमारी उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन वो एक्सपीरियंस कभी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही बात, एंड ऐसा है कि नेचर की मिस्ट्री जो है वो नए नए कॉन्सेप्ट्स को, नए नए थियोरीज, नए नए आइडियाज को इंस्पायर करती है। एग्जैक्टली सो
I would be curious to know, do you have any plans or do you have any such concepts in with you which you would love to explore in coming days or in future, apart from what you have been doing right now? मतलब अभी कलर्स और उसकी मिस्ट्री के साथ कैसा आप खेल रहे, ये छोड़ के ऐसा कुछ नया चीज है या समथिंग दैट यू वुड लव टू डू जो अभी तक किया नहीं लेकिन करना चाहोगे? ऑफ कोर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में हैं, जिनको मैं सोच रहा हूँ, जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, नेचर का जो मेन कंसर्न है इस वक्त, जब हम कहेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन में, कि दो चीजें हैं। एक ये है कि नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज अवेलेबल टू अस, वी कैन एंजॉय इट, वी कैन। बट मेरा एक सीरीज मैं करना चाहूंगा, वो शायद एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, या ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एनवायरनमेंटली कॉन्शियस होंगे, जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी के लिए काम करने, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। आई वॉन्ट शो दैट हाउ एनवायरनमेंट इज साइलेंटली वर्क फॉर अस टू इम्प्रूव द क्वालिटी, और हम कैसे सस्टेन कर रहे हैं, और हमारा जो जिसको हम कहते हैं ना, कि जो हमारा ये है रिएक्शन, जो हमारा है, हम कैसे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल हो रहा है जो इंसान इस वक्त कर रहा है और एनवायरनमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है। हम कोशिश करेंगे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और यहाँ से डिग्रेड हो रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि हम उसको क्वालिटी के लिए हिसाब से लेंगे, नहीं, कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हाउ साइलेंटली वी कैन वर्क टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और वो कैसे काम कर रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा है। सो दिस ऑल प्रोसेस, इट कुड बी इन एब्स्ट्रैक्शन, इट कुड बी अ वेरी न्यू सी, इस पे मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज आई नीड हियर टू इन्वॉल्व सम एलिमेंट्स एज वेल, दैट कुड बी अ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स और सम अदर एलिमेंट्स, उसका इस्तेमाल करके और उसको इसमें डाल के एक एक कुछ नया करना है, और ये मैं सोच रहा हूँ कि इसको मुझे इमिजिएटली करना है। अभी थोड़ा यहाँ का मौसम आपको पता है, इट्स विंटर, क्वाइट इस विंटर, आई जस्ट विंटर एक्सपीरियंस, आई एब्सोल्युटली कोल्ड। तो उसके बाद मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट दिस इज वन ऑफ देम, एंड इट्स ऑन प्रायोरिटी, तो इसको मैं करना चाहता हूँ, और इसका मैं एक एग्जीबिशन भी करना चाहता हूँ। तो लेकिन लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए है, मैं कुछ एनवायरनमेंट कॉन्शियस एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स है जिनको इस चीज की जरूरत है, तो उनको लेकर मैं एक ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। एक्सलेंट। एंड यूजुअली व्हाट साइज ऑफ कैनवस you are comfortable working with, and what medium, Javed? बेसिकली सर, मीडियम का तो कुछ नहीं है, आई कैन वर्क इन ऑयल कलर्स, माई वाटर But which कलर is a इज, favorite? वाटर कलर इज माई माई लव, वाटर Okay. कलर इज माई फेवरेट, बट मोर अपार्ट फ्रॉम वाटर कलर, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन एक्रेलिक कलर्स, आई वर्क इन एक्रेलिक कलर्स। नॉर्मली माई कैनवस साइज इज बिगर, इट्स ऑलमोस्ट 5 फीट, 4 फीट, 4 फीट एंड हाफ, 5 हाफ एंड 6 एंड 7, नॉट लेस देन 4 5। तो कभी होता है, उसमें भी काम होता है, कभी कैंप्स होते हैं या कुछ और होता है, लेकिन मोस्टली जब मैं खुद के लिए काम करता हूँ तो मेरा कैनवस का साइज बड़ा होता है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक बड़ा होता है, क्योंकि कंपोजिशन डिमांडिंग, ये कंपोजिशन करेक्ट मेरा डिमांड करता है, माय करेक्ट कंपोजिशन इज लाइक दैट, आई आई कांट वर्क ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ कैनवस। तो मुझे ये स्कोप है कि स्ट्रोक है, या एक लाइन है, या एक फॉल आ रहा है, या एक एक कहीं पे फोकस पे कहीं कनेक्टिविटी है, इंटरवून कंसेप्ट्स लाइक वो आ जाते हैं, तो उसमें अगर छोटा कैनवस होगा तो शायद काम नहीं हो सकता। तो बड़े कैनवस में इंसान कंफर्टेबल फील करता है, और उसमें वो चीज आ जाती है जो मुझे चाहिए, जो मैं चाहता हूँ पेंट करना। तो इस तरह से मुझे लगता है बड़ा कैनवस बेटर है। नहीं, बहुत सही जावेद, बिकॉज सी बेसिकली आर्ट में टू मेक वन ब्यूटीफुल ब्रिलियंट आर्ट द बेसिक कंपोनेंट्स आर लाइंस फॉर्म्स एंड कलर्स। लेकिन राइट राइट, हाँ, आपके कॉम्पो पेंटिंग्स में आप उसको एक इतना हाई एंड और इतना ब्रिलियंट एब्स्ट्रैक्शन लेके आए हैं उसमें कि आप खाली कलर से ही, क्योंकि आपके पेंटिंग से अगर मैं स्पेसिफिकली लाइंस या फॉर्म्स ढूंढने जाऊं तो नहीं मिलेगा, लेकिन राइट आप एक कलर्स में, मतलब उसकी डायनामिक्स में हो, उसकी स्ट्रोक्स हो, उसकी थिकनेस या थिननेस या उसकी लाइन में, वो
वो सिर्फ कलर से ही अपने आप लाइन बन जाते हैं, अपने आप फॉर्म्स दिखते हैं और अपने आप बन, तो ओनली अच्छा विद द प्ले ऑफ कलर्स यू 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 क्रिएट द ब्रिलियंट ग्रामर और द वोकैबुलरी ऑफ आर्ट. उसमें अच्छा बहुत बहुत थैंक खूबसूरत उसमें, यू सर, एंड थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज आई एम क्या बोलते हैं उसमें, मुझे मजा आता है. आई ऑलवेज तुम्हारे काफी सारे पेंटिंग्स में देखता रहता हूँ. उसमें आई कैन ट्राई टू रीड योर पेंटिंग, बिकॉज योर पेंटिंग्स हैव, इट्स अ विजुअल पोएट्री, बहुत इट्स अ अच्छा विजुअल विजुअल पोएट्री, पोएट्री, बहुत डेफिनेटली। खूबसूरत. एंड डेफिनेटली एक कश्मीर की फील, जिसने कश्मीर ना देखी हो उसको एक कश्मीर की फील, ऐसा लगता है, पता चलता है कि कश्मीर कैसी रहेगी, वो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ऐसी कैसे. बहुत खूबसूरत जावेद. यहाँ पर सर मैं आज एक बात बताना चाहूँ कि जब कोई आर्टिस्ट काम करता है तो कहते हैं ना कि कंटेम्प्ररी होना बहुत सारी चीज इसका इट्स अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कि कंटेम्प्ररी जो इस वक्त जिस पीरियड को मैं जी रहा हूँ, जो मैं कश्मीर देख रहा हूँ, जो कश्मीर के कलर मैं देख रहा हूँ, जो फॉर्म्स टोन्स मैं देख रहा हूँ, अगर ये मेरे काम में नहीं आता है तो मैं अपने रूट से कैसे जुड़ा हुआ, तो मैं फिर रूट से जुड़ा हुआ नहीं हूं ना, मैं कट ऑफ बिल्कुल हूँ। तो रूट से जुड़ा ऐसे होता है इंसान कि जो मेरे इर्द गिर्द है ये तो मुझे इन्फ्लुएंस कर लेता है, दैट्स ट्रू, बट लेकिन इसको मैं कैसे देखता हूँ इसको एंड हाउ आई कैन प्रोजेक्ट इट ऑन माई कैनवस। क्योंकि आप बोलते हैं कि जब पेंटिंग देखते हैं तो ठीक है कश्मीरी लगता है, तो ये तो सबसे बड़ी बात है ना मेरे लिए कि जब मैं पेंट करता हूँ आई एम ए कश्मीरी, आई पेंट इन सच कलर्स जो इंसान बिना फॉर्म बिना कोई आई मीन रियलिस्टिक फॉर्म देखे बिना कोई चीज देखा आप कहते हैं कि ये अच्छे कलर है कश्मीर, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। क्योंकि हर एक आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान होती है, एंड अगर मेरी पहचान ऐसे होती है कि ये कलर में अच्छा है तो इट्स गुड, क्योंकि मैं उस जगह से हूँ जहाँ के कलर ही खूबसूरत है, तो बहुत खूबसूरत, ऑटोमेटिकली मुझ में भी आएंगे। बहुत बहुत रियली वेरी मच, वेरी वेरी ब्रिलियंट, वेरी ब्यूटीफुल जावेद. इट्स लाइक एंड आई हैव टेकन यू रियली एक्सप्रेस्ड योर आइडियाज एंड योर द प्रोसेस, योर आर्ट फिलोसफी वेरी वेल. एंड आई थिंक वी स्टॉप हियर, एंड आई विल डेफिनेटली इनवाइट यू फॉर अनदर राउंड ऑफ डिस्कशन व्हेन वी आर गोइंग अराउंड विद कलर्स. थैंक यू जैसे मच, थैंक यू हम सो मच सर, वी विल मेंटेन दिस इंटरेक्शन, कीप गोइंग अराउंड विद दिस. So yeah, thank you very much for being willing for today. I think I've taken a lot of time of yours. ज़्यादा हो गया कुछ इसमें से थैंक यू कैसे. सो मच सर, Yeah, thank you very much, viewers. I hope you guys enjoy this discussion with Javed Iqbal, who is one of the brilliant abstract painters from Sopore, Kashmir. So stay, do like, share, comment, and subscribe our TV, and do let us know what you think about this. Thank you very much, Javed, for being a part of this. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you very much.